बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दार हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ड्राइंग रूम्स, बंद कमरे दोबारा से आबाद हो चुके हैं और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अहम तरीन सिटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं बड़ी बड़ी, और मशवरे किए जा रहे हैं और रिव्यू किया जा रहा है कि 5 माह के अंदर हमने क्या खोया क्या पाया, और इस जो रिजीम चेंज हुआ इस रिजीम चेंज में किसको क्या मिला, और उसमें जो स्टडी एक हुई है और उस पर डिस्कशन हुई है उसमें ये तय पाया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस 5 माह में पहला नुकसान हुआ अफवाज पाकिस्तान को पहला नुकसान हुआ। अफवाज पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को नुकसान हुआ, उनकी साख मुतासर हुई और उनकी तस्वीर ख़राब हुई और उनका किरदार ख़राब हुआ। ये पहला नुकसान। और दूसरा नुकसान हुआ ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को, और उसकी मईशत जो है वो भट्ठा बैठ गया, उसका सत्यानाश हो गया है और पाकिस्तान कई साल पीछे धकेल दिया गया है। और जो हुक्मरान लाए गए वो हुक्मरान जो हैं वो सर्व नहीं कर सके, और जो उनसे तवक्को की जा रही थी वो उन्होंने नहीं किया, और उनकी सारी की सारी जो तरजीहात हैं वो अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती रहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो अलल्ले तलल्ले हैं वो तो सीधे किए, अपने ज़ाती मफादात को प्रेफर किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, पाकिस्तानी मईशत को सुधारने के लिए। ना उनमें कैपेबिलिटी थी, ना उनमें एबिलिटी थी, और ना ही उनकी नीयत सही लगी। ये इस वक्त की स्टडी है। अब इसमें ये है पॉजिटिव नोट्स। अब पॉजिटिव नोट्स एक तरफ पॉजिटिव नोट्स हैं, दूसरी तरफ जो जनरल बाजवा साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल हैं दूसरी नौइयत के हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, ये काम हमने इसको लेके आगे बढ़ना है, ये तो चंद मीडिया के लोगों की वजह से हुआ, ये तो ARY की वजह से हुआ, ये तो चंद जर्नलिस्टों की वजह से हुआ, और इन्होंने ये सारा खेल ख़राब किया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, और अगर ये मीडिया के कुछ लोग ना होते तो ये बिल्कुल सब कुछ स्टेबल हो जाना था। इस हुकूमत को तो ख़राब करने वाला मीडिया है, और वो ARY है, वो अरशद शरीफ है, वो साबिर शाकर है, वो इमरान रियाज है, वो याज अमीर है, वो समी इब्राहिम है, वो आरफ अमीन भट्टी है, वो डॉक्टर मुईद है, वो कामरान खान है। इस तरह की बातें की जा रही हैं। और मैं अब आपको यहाँ पे मैं जो इस वक्त आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, एग्जैक्ट ये सारा कुछ हुआ कि मैं ख़ास तौर पे जनरल बाजवा साहब से कहूँगा कि वो ये ज़रूर वीडियो गौर से सुने। तारीख ये है साल 2007। साल 2007 में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं उस वक्त ARY में था, बतौर चीफ रिपोर्टर काम कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई गवर्नमेंट स्टेबल थी, हर चीज़ स्मूथली फंक्शन हो रहा था, कोई हार्म नहीं था, परवेज़ मुशर्रफ साहब को कोई ख़तरा नहीं था, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को के बारे में कहा जा रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की उस वक्त गवर्नमेंट थी, वो ये कह रही थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान बड़ा मशहूर है कि हमें 100 दफ़ा भी मौका मिला तो हम 100 दफ़ा इनको वर्दी समेत सदर मुंतखब करवाएंगे। ये थी उस वक्त की मईशत भी ठीक थी, बाहर भी ताल्लुकात ठीक थे, A1। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अचानक हम एक दिन बैठे थे और जुमे का दिन था, 9 मार्च 2007, जुमा पढ़ के हम वापस आए, F74 में हमारा ऑफिस था। जुमा पढ़ के जैसे ही वापस आए हैं तो ब्यूरो चीफ के कमरे से ज़रा कोई थोड़ी सी खिलबली सी मची। पहले एक कॉल आई कि इंतज़ार करें जी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ये कॉल थी ऐवान सदर से, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर ममलिकत भी थे और आर्मी चीफ भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव, हर चीज़ वही थे, सियाह सफ़ेद के मालिक वो थे। पहले कॉल आती है कि ज़रा जनाब अलर्ट रहें, फैक्स आने वाला है, क्योंकि फैक्स के ज़रिए जल्दी फैक्स आने वाला है, फैक्स ऑन रखें। ये था हमारे सोर्स थे, हमने कहा चलें ठीक है जी, हम अलर्ट हो गए। फैक्स आया जुमे की नमाज के बाद, और वो फैक्स क्या था, वो ये था कि प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इफ्तखार चौधरी साहब को
कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, और उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला हुआ है। ये खबर आई और ये खबर आनन फानन आई और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। इवन जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ब्रदर जजेस थे उनके भी वहमो गुमान में भी नहीं थी। वो भी सोच रहे थे, हैरान थे कि अभी तो कोर्ट रूम में थे और कोर्ट रूम से उठ के कोर्ट रूम कोर्ट वर्क मुकम्मल करके अभी वो निकले और बता के गए कि मैं आर्मी हाउस जा रहा हूँ, रावलपिंडी जनरल परवेज मुशरफ साहब से मुलाकात है, क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे परवेज मुशरफ साहब से। तो उनको बुलाया गया और उनसे इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और उसके बाद परवेज मुशरफ साहब ने कहा कि जनाब आपके खिलाफ रेफरेंस है, उन्होंने कहा फिर रेफरेंस कर दें। वो वहां से अनबन और दरमियान में से ही इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो फिर पहुंच नहीं सके सुप्रीम कोर्ट, और वो काफ़ी देर के बाद पता चला कि वो चीफ जस्टिस हाउस पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक खलबली मच गई। मैं भी उधर था, वो बाकी बातें बाद में बताएंगे। तो ये रेफरेंस आ गया जी मार्च 2007। यहाँ से जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का डिक्लाइन जो है वो शुरू हो गया, जवाल शुरू हो गया। अच्छा बस चल रहा था, ये तहरीक चलती, उसके बाद ये तहरीक बन गई, रेफरेंस आ गया, फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, सब कुछ होता रहा। और आहिस्ता आहिस्ता सारी, पहले वकला कम्युनिटी आई, फिर सियासी जमातें आना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता सारी सियासी जमातें उसमें शरीक हो गई। और नौ मार्च 2007 से फिर ये मुकदमा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से निकल के चला गया ओपन कोर्ट में, और 13 रुकनी बेंच ने, फुल कोर्ट ने ये मुकदमा सुना। उस बेंच के सरबराह थे जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, उन्होंने मुकदमा सुना और 20 जुलाई को इफ्तिखार चौधरी साहब को रिस्टोर कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, और इवन उनकी जो सस्पेंशन थी उसको भी रख लिया गया, और वो कानून भी, वो भी कलदम करार दे दिया गया। कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि चीफ जस्टिस को आप बाय फोर्स छुट्टी पे भेज सकें या उनको नॉन फंक्शनल कर सकें, वो भी सब कुछ उड़ा के रख दिया और इफ्तिखार चौधरी साहब हो गए बहाल। उसके बाद भी परवेज मुशर्रफ साहब को लोगों ने मशवरा दिया, इस दौरान भी मशवरा देते रहे लोग, 9 मार्च से 20 जुलाई तक मशवरा देते रहे कि जनाब मामलात आपस में सेट कर लें और रेफरेंस वापस ले लें, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ अगर कोई गलतफहमी हुई है सारी चीज़ें ये ख़त्म करते हैं, रेफरेंस वापस लें और वो रिस्टोर हो जाए। लेकिन इस परवेज मुशर्रफ साहब को समझाने वाले ये लोग जो हैं उनके मफाद में नहीं था। दूसरी लॉबी जो थी वो बड़ी ताकतवर लॉबी थी, वो नहीं चाहती थी कि ये सुलह हो या ये आग ठंडी हो और इफ्तिखार चौधरी साहब वाले रेफरेंस का मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए या रेफरेंस वापस लिया जाए। उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को वो भड़काते थे, वो तीली लगाते थे कि जनाब आप चीफ आर्मी चीफ हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम हार मान लें, नहीं ये हम हमारे पे छोड़ दें। तारिक अजीज साहब खलीलुर रहमान रमदे साहब से मिलते हैं, खलीलुर रहमान रमदे साहब, वो आपको बताऊंगा फिर एक किस्सा, खलीलुर रहमान रमदे साहब से मिलते हैं तारिक अजीज साहब, वो कहते हैं कि ये माजरा क्या है। तो खलीलुर रहमान रमदे साहब कहते हैं कि ये ज़रा आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, तो भारत ये काम हुआ 20 जुलाई को बहाल हो गया। 20 जुलाई के बाद भी ये कहा गया कि इस पे दोबारा परवेज मुशर्रफ साहब से कहा गया कि जनाब मामलात अभी भी बहाल हो गए हैं, कोर्ट ने बहाल कर दिया है, बात ख़त्म हो गई, इस चैप्टर को क्लोज करें, आगे बढ़ें, क्योंकि चीज़ें रुक गई हैं, अमूर रियासती अमूर रुक गए हैं और ये आपकी रिट वीक हुई है, इसको बहाल करें। एक ग्रुप ये था जो कि खैरखा था परवेज मुशर्रफ साहब का, लेकिन जो खैरखा नहीं था, बदखा था परवेज मुशर्रफ साहब का, वो उनको कहता रहा कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, पीछे नहीं हटना, ये हम इसको हम एक और टीका लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद फिर ये ओपन कोर्ट में बातें होना शुरू हो गई कि जनाब खतरा है कि वो पाबंदी एमरजेंसी लगाने जा रहे हैं, वो दोबारा मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं, इस तरह के काम, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो एक्टिव हो चुकी थी
और इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी। ओपन कोर्ट में कहा जाता था कि ये मामला होने वाला है। तो वो पार्टी, वो अनासिर जो नहीं चाहते थे कि परवेज मुशर्रफ साहब का मामला खुश उसलूबी से हल हो और वो कंटिन्यू करें, तो वो वाला फरीक जो था उन्होंने आग ठंडी नहीं होने दी। और फिर आ गया 3 नवंबर एमरजेंसी, 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगा दी, 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगा दी गई। और उसके बाद उस एमरजेंसी का चूंकि पहले से खतरा था, फौरी तौर पे 7 जजिस आए, रात को बैठे, रात के 12 बजे अदालत लगी और उस 3 नवंबर की एमरजेंसी को सस्पेंड किया। और 7 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि जनाब कोई भी इन अहकामात को नहीं मानेगा, ये कलदम करार दे दी गई है, ये सस्पेंड कर दिया गया है नोटिफाई एमरजेंसी वाला। और उसके बाद भी मामले को सेट नहीं किया गया, तमाम टीवी चैनल्स बंद कर दिए गए, मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई, हर चीज लगा दी गई, क्योंकि एमरजेंसी नाफज की गई थी, परवेज मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाई गई थी। हालांकि उस वक्त काबीना भी थी, वजीर आजम भी थे, शौकत अजीज साहब सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद वो अनासर अपना काम करते रहे, फ्यूल डालते रहे, आग भड़काते रहे। और फिर 3 नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी थी, उसके बाद उसी एमरजेंसी ने, उसी इकदाम ने परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर हुआ, उनको सजाए मौत हुई का, सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। और ऐसा हुक्म कि अगर वो बाहर हैं तो उनको लाया जाए, अगर वो मर जाए तो उनको घसीटा जाए, उनकी लाश लटकाई जाए, ये फैसला सुनाया गया। और ये 3 नवंबर का, 9 मार्च 2007 से जो सिलसिला शुरू हुआ था 3 नवंबर 2007 पे ख़त्म हुआ और वो परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 पे जाके ख़त्म हुआ। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा जन बाजवा साहब से कि जो लोग ये कह रहे हैं ताकत इस्तेमाल करें, आप आर्मी चीफ हैं, आप ये कर दें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सिर्फ 2007 9 मार्च और 3 नवंबर ये वाला सीन आप जहन में रखें, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ ये जहन में रखें। उसके बाद फिर किस तरीके से उस क्वार्टर को सस्पेंड करवाया गया, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और परवेज मुशर्रफ साहब किस हाल में है, ये सारी एक हिस्ट्री है। तो बात यह है कि अभी भी वक्त यही है कि इन चीज़ों को सुधारा जाए और सुधार के इन चीज़ों को ठीक किया जाए, और जाने से पहले पहले अगर ये चीज़ें ठीक होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था परवेज मुशर्रफ साहब, नवंबर में ये सारा कुछ सीन हो रहा था और अभी हम उस तरफ ही जा रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जो ये कह रहे हैं कि हम एमरजेंसी लगा दें, हम ये कर दें, हम गवर्नर राज लगा दें, वो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आवाज़ असल वही है जो आपको ये कह रही है कि जाने से पहले ये मामला ठीक कर रहे हैं और जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ठीक करके जाएं, ताकि मामलात आगे बढ़ सकें और ये जो स्टिग्मा लगा हुआ है रिजीम चेंज का, साइफर का, ये सारे स्टिग्मे साफ़ किए जाएं और आम साफ शफाफ आम इंतखाबात ये मसले का हल है। तो मैंने यही बताना था, यही अर्ज़ करना था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।